हर कोई मेरे अजीजों निजामे मुस्तफा का इकरार कर रहा है। अभी आपसे यहां पूछा जाएगा कि निजामे मुस्तफा नाफिज हो जाए, तैयार हो? दोनों हाथ खड़े कर देंगे, बैत करो, बैत कर लेंगे। अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों अल्लाह अकबर कहा जाएगा। खिलाफत राशिदा का निजाम होना चाहिए, जमीयत उलमा इस्लाम का मंशूर है, दस्तूर है, कानून है। ये उस कानून को, उस दस्तूर को नाफिज करना चाहते हैं जिसका निफाज इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने हाथों से सहाबा को देकर गए हैं। अभी यहां से मैं कसम ले लेके वादे लूं, बताओ तुम वोट दोगे? लोग टांगे भी खड़ी कर देंगे। ये तो 200 साल से हम देखते आ रहे हैं। आप भी वोट देंगे, आप भी वोट देंगे, स्टेज वाले भी वोट देंगे, ये भी वोट देंगे, फिर मुझे ईमानदारी से बताओ संदूकड़ी में से वोट कहां चले जाते हैं? आसमान वाले ले गए। कराची से लेकर पिशावर तक, खैबर से लेकर बलोचिस्तान तक, कौन सा ऐसा जलसा हुआ, कौन सी ऐसी कॉन्फ्रेंस नहीं जिसमें आप सब ने अलेलान खड़े होकर हाथों में हाथ डाल के कहा था कायदे जमीयत कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, कायदे जमीयत कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे अजीजो इलेक्शन आने वाला है, देख लेना, ना साथ रहेगा ना तुम्हारे कदम रहेंगे। पता नहीं मेरे अजीजो ये कदम ये साथ कहां जाके घुस जाएगा। जिसके लिए मेरे अजीजों अल्लाह का निजाम था मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए और तर साहबा इकराम को बना दिया, मिसाल साहबा को बना दिया जिनके लिए निजाम आया था। यहूदों ने सारा मुखालफत नहीं कर रहा, बल्कि मेरे अजीजों इस निजाम के मुखालफत मुसलमान इस वक्त कर रहा है। कभी मदीना नजर नहीं आता, कभी मक्का नजर नहीं आता, कभी दौरे औला कुरूने औला नजर नहीं आता। जब भी देखते हैं अमेरिका को देखो कहां चला गया, अल्लाह अकबर, वो देखो बर्तानिया कहां चला गया, कनाडा कहां चला गया। ये कौन लोग हैं? तुम्हें इनकी हकीकत का पता है ये कौन लोग हैं? जिनके दस्तरखान पर मेरे अजीज और शराब की बोतल ना हो इनका दस्तरखान नहीं समझता इंसान, तो दूर की बात है। इनके पालतू जानवर अगर इकट्ठे होके बैठ जाए, इनके जानवर भी भोंक भोंक के मशूरा करते हैं। बताओ मुसलमानों को दुनिया से कैसे खत्म किया जाए?